नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवान पदार्थों के नहीं प्रेम के भूखे हैं। रानीपुर देवरी सिंहपुरा बस स्टैंड पर चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर नव निर्मित सती माता मंदिर व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में राष्ट्रीय भगवताचार्य धर्मगुरु आचार्य पंडित विनोद चतुर्वेदी ने जन समुदाय के समक्ष कथा का बखान करते हुए कहा कि श्री भगवत कथा सुनने से पितरों को तृप्ति होती है। सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई। शास्त्री ने आत्मदेव की कथा सुनाते हुए कहा कि जो अपनी आत्मा को संस्कार बना दे वही आत्मदेव है। आत्मदेव का एक पुत्र भक्त बना तथा दूसरा पुत्र दुष्ट बना, परंतु श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उसका भी उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी ने 4 तत्वों में श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। शास्त्री ने कहा कि धर्म अधर्म के बंटवारे को लेकर जब कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो विजय पांडवों की हुई, क्योंकि विजय हमेशा धर्म की होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का स्वागत स्वीकार नहीं किया तथा विदर रानी के हाथ से केले के छिलके खाए। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने भक्त शबरी के झूठे बेर खाए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। शास्त्री ने राजा परीक्षित की कथा तथा कलयुग के आगमन की कथा का मार्मिक वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति पर परीक्षित के रूप में उपस्थित मुख्य यजमान श्रीमती मंदाकिनी अखिल प्रकाश तिवारी ने महाप्राण की आरती उतारी। इस अवसर पर गुलाब चंद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, आनंद तिवारी, प्रदीप शर्मा, नितेंद्र आशीष, अजय तिवारी, उदय चंद मिश्रा, अरविंद अड़जरिया, राजू पांडे, महेश चंदौरिया, घासीराम व्यास, मुकेश राय, राजेश लेटोरिया, राहुल दीक्षित, रमेश शर्मा, महेंद्र कुमार नगाइच, श्रीमती गायत्री तिवारी, रामा देवी तिवारी, मंजू, नीलम पिंकी तिवारी, श्रीमती सुनीता पांडे, लीला लेटोरिया, विनीता पस्तोर, सुनीता चंदसौरिया, श्रीमती मीरा शर्मा, रेखा राय, मोहिनी श्रोती, रामा तिवारी, धन कुमार राय सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। रानीपुर से संवाददाता नीरज खटीक के साथ नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। राजा को पत्थर मारा, कुछ ने बाउंड्री को कूदा है, कुछ आगे वाले गेट से, कुछ पीछे। राजा को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ा सा मलम लगा के कॉटन रुई लगा दी। राजा ने कहा पकड़ के लाओ। वो 3 दिन का भूखा जो बेर खा रहा था, पोटली में बांध रहा था, सिपाहियों ने बंदूक लिए जाकर के नाल अड़ा दी, बोले हे फांसी होगी तुझे फांसी। राजा को पत्थर मारा, कांप गया, मुंह के बेर सब उगल गए, नीचे गिर पड़े, आंखों में आंसू, बदन है, बोले टुकड़े टुकड़े होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े। राजा को पत्थर मारा, रोने लगा, रस्सियों से सिपाहियों ने बांधा और जाके बगीचे में लाए। बोले महाराज यही वो है दुश्मन का भेजा हुआ सेवक जिसने तुम्हें मारने के लिए पत्थर मारा। फांसी